हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब दोस्तों? आई अब आप सब अच्छे हो गए दोस्तों। अभी हम हैं अपनी गाड़ी के पास और इधर 3 दिन गाड़ी छोड़ के गए थे क्योंकि ये माल वापस लोड करने का है। तो अभी हम घर पे चले गए थे और सुबह में उधर से अंजार से निकले एसटी बस में और फिर माता जी का मठ है उधर आशापुरा मंदिर पर दर्शन किए और अभी पहुंचने वाले हैं हमारी गाड़ी के पास। और ये कुछ नज़ारा है, टमाटर और प्याज और तेल और बाकी ये मशीन है, देख सकते हो कितना बड़ा है। चलो उधर दिखाते हैं आपको उधर पहुंच के बाकी तो कितनी सारी ये विंड पावर बहुत पवन चक्की है, चारों तरफ पवन चक्की है। और ये अभी कुछ मशीन बिगड़ गया है, उसको चेंज करने के लिए इतना सब एडिट किया हुआ है, आप देख सकते हो। विकास भाई।
का। कवर ना काट, कवर काट। अब बज्जू ले बार। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज डेट हो रहा है 31/3/2024 और अभी सुबह का 9:30 का टाइम हो रहा है। और अपना गाड़ी कल शाम को लोड हो गया था और अभी लोड हो के खड़ा है। सामने देख सकते हो पूरा माल उठा लिया और ये भी चालू हो गया है विंड। और अभी दोस्तों इधर गांव अगल बगल में कोई है नहीं पास में, तो अभी विमल का जुगाड़ करने के लिए हम इधर गांव में जा रहे हैं। अभी कुछ जुगाड़ करते हैं, विमल वाला आएंगे फिर बनाएंगे और फिर खाएंगे। खाना तो हाथ से बना रहे हैं, लेकिन कभी दूध मिलता है कभी नहीं मिलता है। इधर बगल में भैंस का तबेला है, लेकिन विमल ज्यादा मिल जाता है, नहीं मिलता है तो नहीं मिलता, खत्म। विमल का जुगाड़ नहीं हो रहा है तो अभी जाते हैं, देखते हैं कुछ चैटिंग होता है तो चलो करते हैं। चलो दिया था तो हमने खाना तो हाथ से बना लिया था। और अभी जस्ट मातान मठ से पहले कोटड़ा गांव पार कर लिया है और आके अभी खदान आने वाली है कोलसे वाली। और अभी देख सकते हो सामने सिंगल रास्ता है और राजेश भाई आके मैं पीछे हूँ। और रात को ज़्यादा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ रास्ता दिखाई दे रहा है, सिंगल रोड है एकदम। और आराम आराम से चल रहे हैं। अभी तीन चार दिन तो दो दिन तो लोडेड गाड़ी को हो गए, बिल्टी नहीं दिया था क्योंकि साथ वाली गाड़ी आया नहीं था, हमारा दो ही गाड़ी था। अभी दो गाड़ी आ गया तो मतलब टोटल चार हो गया। और अभी एक गाड़ी निकल गया आगे, एक कल सुबह भरेगा। और हमारा तो वैसे पहले से ही भरा पड़ा था और माल तो आपको सुबह में दिखाएंगे। और अपना खाली होगा मेक पर में, तो आप पूरा एंड तक वीडियो देखना। पहले अपना बगल में पास में ही शिफ्टिंग था, अभी यहाँ से मातार मठ से गांधीधाम के लिए जा रहा है माल। अभी इधर से काम उसका ख़त्म हो गया है तो अभी टोटल 8 गाड़ी का शिफ्टिंग है। पूरा क्रेन उठाएंगे, क्रेन के जैसे सब बूम है वो सब उठाने का है। और क्रेन तो दोनों वैसे चल के ही आएगा, उसके काउंटर वेट और बूम सब गाड़ी में डाल देंगे। तो आप पूरा वीडियो एंड तक देखना, हमारे साथ बने रहेगा। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, भूलना मत। तो दोस्तों ये अपना KGF का कुछ नज़ारा। अरे यार, यानी मतलब ये कच्छ का फेमस खदान है कोयले का, इसको सोने का खदान बोल सकते हैं। रात को तो वैसे कुछ नहीं दिखेगा, बहुत बड़ा खदान है। ये सारी लाइटें दिख रही है ना, वो खदान की है। और बहुत बड़ा खदान है, बहुत गाड़ी आता है, बहुत अच्छा कोयला यहाँ से निकलता है। बाकी तो सब ने देखा ही है, जिसने नहीं देखा है वो कभी दिन में आके देख लेना कैसे सोना निकलता है। बहुत बड़ा खदान है, अभी भी देख सकते हो गाड़ियाँ चल रही है।
और बाकी जिसने देखा है वो कमेंट करके जरूर बताना। अभी नाइट का टाइम है ना तो नहीं दिख रहा है अच्छे से, क्योंकि बहुत बड़ा है और गहरा भी ज़्यादा है। और आगे राजेश भाई चल रहे हैं, मैं पीछे चल रहा हूँ, ये सामने लाइट दिख रही हो माता ने, माता का मठ है, तो जय आसम सबको। और अभी निकलते हैं तो आप हमारे साथ एंड तक पूरा बने रहेगा। अभी राजेश भाई ब्रेक मार रहे हैं तो मेरे को भी आराम से चलाना पड़ेगा, क्योंकि टेलर के ब्रेक बहुत कम लगते हैं, इसलिए सेफ्टी पहले बहुत डाला ने। अभी इधर के माता ने मठ गांव है उसमें ऊपर निकलेगा रोड, तो ऐसा कुछ नज़ारा है। और खाना पीना तो सब कर लिया है, अभी डीजल डालने का है बाकी। ये आप देख सकते हैं पूरा लाल के ऊपर आ गया है। और अभी इसी तरह कोयले का सुगंध बहुत आ रहा है, सुगंध तो ठीक है, बाकी दुर्गंध बोल सकते हैं, क्योंकि अपने लिए सुगंध इसका अच्छा नहीं है, बहुत दूर उड़ रहा है। तो आप एंड तक पूरा बने रहिएगा हमारे साथ। तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है 4 और हम पहुंच चुके हैं भुज में, और अभी भुज बाईपास से हम अभी टर्न ले रहे हैं। और ये कुछ भुज का नज़ारा है, अभी ट्रक खड़े हुए हैं, ये ऑटो वाला सर्कल है और ये पीछे का नज़ारा है। राइट काट रहा है, पूरी नाइट गाड़ी चलाया, बीच में राय पिया था। और अभी चलते जा रहे हैं, राजेश भाई आगे और मैं पीछे चल रहा हूँ। बाकी अभी कोई कोई आदमी जगह है कटर के लिए, सब तो नहीं जाके। और अभी हम पहुंचे आरटीओ ऑफिस के पास में, और बस जब खतरनाक है तो अपनी गाड़ी को थोड़ा तकलीफ होता है, क्योंकि अभी वजन पूरा भरा हुआ है 32 टन, इसके चक्कर में थोड़ा दिक्कत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि भुज में चढ़ाई भी ज़्यादा है। बहुत बड़े बड़े जंप लगा रखे हैं, और पीछे से गाड़ी भी आ रही है, और अभी तो शायद हाइट नहीं ले पाएगी। और सामने भुजिया डूंगर है लेकिन आप ये नहीं दिखाई देगा। और ये हमारे को छकड़ी ने साइड काट लिया है, छकड़ी है खाली और हमारा गाड़ी है 32 टन। ऐसी छकड़ी तो 20-30 आ जाएगी तो भी वजन पूरा नहीं होगा, इतना लोड भरा हुआ है। और अभी सामने सर्कल आ रहा है और थोड़ा बड़ा टर्न लेना पड़ेगा, ये टेम्पू वाला भी आगे हो गया। और ये सामने सर्कल है, एंकर सर्कल
फायर स्टेशन है। और बहुत सारी बसें खड़ी हुई है। आप देख सकते हो चढ़ाई यार बहुत खतरनाक है, गाड़ी को बहुत तकलीफ होता है। 90 के ऊपर गर्म हो जा रहा है। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हम पहुंच गए गांधीधाम और सुबह का टाइम हो रहा 7 और राजेश भाई सोए हुए और मैं बैठा हुआ हूँ। और अभी सामने इधर खाली होगा, आप देख सकते हो गोडाउन है और राजेश भाई का गाड़ी आगे खड़ा है। राजेश भाई सोया हुआ है, ये थोड़ा बहुत सोया है, आधा सोया आधा नहीं सोया है, ये देख सकते हो तुसों के बीच में पड़ा है। और उधर पानी का बोतल को लात मार दिया है। और अभी देखो सूर्य नारायण सामने आ गए हैं और ऐसा कुछ नज़ारा। मैं गाड़ी के डार सीट पे बैठा हुआ हूँ, अंदर बैठा हूँ और अभी मैं गियर और स्टारिंग सब चेक कर रहा हूँ कैसे चलता है गाड़ी। और ये कौन चला के आया? तू नहीं, नहीं नहीं, वो तो मैं ऐसे ही दूसरा ड्राइवर चला के आया, विकास भाई। हाथ फेर रहा है। हाँ, मैं चेक कर रहा हूँ ऐसे ऐसे हिलता है, ये गियर है, बाकी सब नीचे है और ऐसा कुछ साल चाल है। नींद आ रहा है क्या? जरक आ रहा है। तो फिर आवरा बावरा मत हो, आँख बंद कर दे तो आ जाएगा नींद। और बाकी बाहर का नज़ारा ऐसा कुछ है, सुबह बोल रहे हैं 8:30 बजे आ जाएंगे, तब तक हमारे को वेट करना पड़ेगा। और अभी नींद भी लग रहा है, लेकिन क्या करें यार, इधर थोड़ा गांधीधाम का इलाका ऐसा है तो थोड़ा सेफ्टी रखना ज़रूरी है, नहीं तो जेब कपड़े और सब कुछ लेके चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो सब चौकी रख में सो जा। अच्छा, तो मेरे को जिम्मेदारी सब दिया है और अभी मैं बैठा हूँ। मैं विकास भाई, उधर देखो, उधर तो देखो, उधर नहीं उधर नहीं, उधर देखो, उधर उधर मुर्गी 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 मुर्गी। तो बाकी ऐसा कुछ है, अभी 8 बजे देखते हैं क्या होता है। बाकी क्रेन एक सामने खड़ा है और एक क्रेन का बूम इधर पड़ा है और ये लीबर का काउंटर वेट है। बाकी आगे गाड़ी खड़ा है कच्छ लाखा पर और राइक का DJ12BW6759 और वो तो गाड़ी आगे पड़ा है लेकिन उसका मालिक इधर सो रहा है। तो चलो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिएगा, पूरा वीडियो इन तक देखना, कब खाली होता है आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे।
तो फ्रेंड्स अभी बजने वाले हैं 4, अभी 3:40 हुआ है और हमारा अपना गाड़ी खाली हो चुका है और अभी मैं निकला हूँ यहाँ से और पीछे क्रेन है और ये लकड़े का इधर गोडाउन है और अभी जाएंगे अंजार बाईपास में, थोड़ा काम करवाना है, बाकी ऐसा कुछ नज़ारा है आप देख सकते हो। और इधर पूरा लकड़ा का कारोबार ज़्यादा है, अभी 4 बजने वाला है, टाइम बहुत हो गया खाली करने में। और अभी MT जाएंगे डायरेक्ट अंजार, तो वीडियो को यहाँ पे करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।